प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में एक ओर जहां पानी की कमी है, वहीं दूसरी ओर जहां पानी आ रहा है वो बेहद गंदा और बदबूदार है, जिससे बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा है। कहा कि केजरीवाल सरकार के नाकारा रवैये के कारण दिल्ली की जनता गंदा बदबूदार सीवर का पानी पीने पर मजबूर है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने सवाल करते हुए केजरीवाल से कहा कि जब आप दिल्ली जल बोर्ड का गंदा पानी नहीं पी सकते तो दिल्ली की जनता को ऐसा गंदा और बदबूदार पानी क्यों पिला रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे दिल्ली में आ रहे गंदे और जहरीले पानी की जांच करवाएं। दिल्ली जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार दिल्ली में गंदे और जहरीले पानी के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद अगर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा दिल्ली का है, तो वो दिल्ली में पानी की बढ़ती हुई समस्या है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली के लोग आकर कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करते हैं, लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, तो एक ही समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, वो पानी की समस्या। और पानी के साथ साथ जहाँ एक और पानी की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर जो पानी आ रहा है वो बेहद गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। ऐसा पानी जिसको आप पीना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं धो सकते हो। ऐसा पानी आ रहा है जिसमें सीवर की स्मेल आ रही है, और वही पानी लोग पीने पर मजबूर हैं। दिल्ली की जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि केजरीवाल अपने घर में आरओ लगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक अपने घर में आरओ नहीं लगा सकता, इसीलिए दिल्ली को गंदा और जहरीला पानी भेजना बंद करे। दिल्ली की जनता कोई भेड़ बकरी नहीं है जो आपके बहकावे में आएगी।